मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया, स्पेसिफिक ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग का मोटो रहता है वो तो यही रहता है कि मैं डेली ब्लॉग पोस्ट करूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूं कि बोलना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बट करना और भी मुश्किल। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज का मेरा ये जो ब्लॉग है वो होने वाला है मेरे जो प्रेजेंट फार्म टूर की कंडीशन है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने ना आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था जो मेरा स्मॉल फार्म टूर वाला ब्लॉग था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। मैंने वो ब्लॉग पोस्ट किया था 22 जुलाई को। तो वो उस ब्लॉग में ना मैंने आपको अपना छोटा सा फार्म टूर दिखाया था कि मैंने कौन कौन सी वेराइटीज़ बीजी है क्रॉप की। मैंने तो नहीं, इनफैक्ट मेरी मम्मी और दादी ने बीजी है, तो मैंने उसी पर दिखाया था। तो देन आज मैं आपको उसकी प्रेजेंट सिचुएशन दिखाने वाली जब वो ऑलमोस्ट फसल के लिए रेडी है। तो गाइज अभी मैं लेके आई हूँ आपको अपने कॉर्न के खेत में। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा स्मॉल फार्म टूर वाला, तो आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 2 मंथ्स इनमें फसल रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें फसल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है एंड दादी आपको दिखाएंगे अभी तोड़ के इसमें से एक मक्की। दादी कॉर्न तोड़ रहे हैं, हम इसे चेक करेंगे कि अभी ये पकी है अच्छे से कि नहीं पकी है। वैसे दादी का आइडिया तो है कि ये पक चुकी है, तब जब इससे दादी इसका कवर बाहर से निकालेंगे तभी पता लगेगा। दादी पक्का पके है ना ये? पके देखो। तो गाइज ये है हमारी मक्की और ये पक चुकी है, बट बारिश की वजह से ना इसमें थोड़ी नमी सी आई है ना दादी? ये भी नैच कर ले। बारिश की वजह से ना इसमें थोड़ी सी नमी आई है, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो गाइज जो मेरा ये वाला मक्की का खेत है ना, इसकी कंडीशन तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा सही है कंपेयर टू अगर मैं दूसरे खेत की बात करूँ, क्योंकि ये वाला जो खेत है ना ये हमारा घर के साथ में नज़दीक में ही है, बट जो हमारा दूसरा मक्की का खेत है वो थोड़ा जंगल के साथ है। तो वहाँ पर ना बारिश की वजह से तो नुकसान हुआ ही हुआ है, बारिश की वजह से भी, और बहुत ही तेज़ हवा चली थी रात को, तूफान जैसा आया था, तो उस वजह से भी हमारी मैक्सिमम मक्की के जो हमारी मक्की थे तो वो गिर गई थी आधे से ज़्यादा तो। और उसके अलावा भी रात को जंगली जानवरों ने भी खाई है वो मक्कियाँ। आई थिंक भालू आता है हमारे इधर, तो भालू ही आता है और तो कोई जानवर नहीं आते हैं, तो आई थिंक वो ना उन्हीं जंगली जानवरों ने खाई है। तो गाइज आप लोगों ने ना मेरा ये मक्की वाला खेत तो देख ही लिया है, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने चलाई के खेत में, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बिट्टू बोलते हैं। गाइस जाने से पहले मैं आपको यहाँ पार्क का व्यू दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हो क्या ही सही व्यू दिख रहा है, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, एंड शाम के टाइम तो, सनसेट के टाइम तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पार्क को। तो गाइस अभी मैं आई हूँ चलाई वाले खेत में। तो गाइज आप लोगों ने ना इस खेत की सिचुएशन तो देख ही ली है, ये अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है इस खेत की, एंड इनफैक्ट इसी खेत की नहीं है क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में अपने चलाई का खेत बिल्कुल अच्छे से दिखाया था, तब वे काफ़ी छोटे छोटे थे, बट अभी भी ना ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो तो हो गया है। बट हमारे इसके अलावा एक दो खेत और है जहाँ पर दादी और मम्मी ने चलाई बीजी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बीजी है उन्होंने। उस खेत की भी सेम टू सेम यही हाल है जैसे कि इस खेत के है, बट अब हम क्या करेंगे ना, हम इन्हें जब काफ़ी ज़्यादा मौसम साफ़ होगा, अच्छा होगा, तब हम ट्राई करेंगे कि हम इन्हें उठा के खड़ा करें, पर हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ना दादी मुझे बता रही थी कि हम इसे जितना ज़्यादा स्ट्रेट करते हैं तो कई बार ये टूट जाते हैं। गाइज ये मेरे चलाई का दूसरा वाला खेत है, एंड इसकी भी सेम वही कंडीशन है, आप देख ही सकते हो बीच बीच से ये सारे गिरे हुए हैं एंड थोड़े बहुत स्ट्रेट हैं। हर खेत की कंडीशन ऐसी हुई है तूफान की वजह से। तो गाइज अभी ना शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, एंड अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा सही, आप देख सकते हो। यहाँ पे दादी ने ना ककड़ी बीजी है, और भी बीजी है खेत में वैसे तो, पर ये काफ़ी ज़्यादा है। कितने प्लांट्स लगाए हैं दादी आपने, कितने पेड़ लगाए हैं? बहुत है, 2-3 जगह लगाए हुए हैं। 2-3 जगह? कितने टाइम पहले लगाई थी आपने ये? 4-5 महीने हो गए, इसमें फूल पहले आए वो गिर गए सारे, अब बाद में अब लग रहे हैं इसमें खीरे। अच्छे खीरे है, काफ़ी लगे हैं ना। और भी है आपने, और कौन कौन सी जगह पे? और 2-3 जगह हैं।
गाइज अभी मैं लेके आई हूँ अपने राजमा के खेत में आप लोगों को। हमने यहाँ पे भी राजमा बीजी है एंड आगे भी दो खेत है वहाँ पे भी बीजी है। जो हमारे छोटे छोटे खेत है वहाँ पे हमने राजमा बीज के रखी है। गाइज ये जो भी राजमा है ना ये सबकी फेवरेट दाल होती है, वैसे मेरी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट दाल है। तो अभी ना ये अच्छे से ग्रो नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो इन्हें अभी 1 मंथ का टाइम लगेगा। दादी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं दादी से पूछ के एक स्पेसिफिक मंथ भी बता देती और टाइम भी बता देती, बट अभी मुझे पता तो नहीं है, बट 1 मंथ का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो गाइज अभी मैं आई हूँ अरबी वाले खेत में। वैसे अरबी को तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं, इनके लिए चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, बट फिर भी पत्ते तो इनके हुए हैं, थोड़े से गिरे हैं जैसे चलाई वाले खेत में गिरे थे, क्योंकि ज़्यादा वेट ये सहन नहीं कर पाते बारिश की वजह से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी थी तो बूंदों की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है, तो ये थोड़े से बेंड हुए हैं। बट इनको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ना आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई भी थी अरबी के पत्तों की रेसिपी बनती है, हमारा ट्रेडिशनल फूड बनता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी ऊपर, तो आप देख सकते हो वो इजीली। तो गाइज आज का ना मेरा एक मोटो था इस ब्लॉग को बनाने का, एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाने का, तो क्योंकि ना मेरे काफ़ी ज़्यादा जो व्यूवर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि मुझे कुछ सेपरेट ब्लॉग बनाना चाहिए एंड मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने ब्लॉग में, कुछ बेटर करना चाहिए, तो देन मैंने सोचा आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही बनाती हूँ। बट जो मेरे ब्लॉग का मोटो होता है ना वो यही होता है कि मुझे डेली ब्लॉग्स करने होते हैं, मेरे ब्लॉग तो चलता है डेली कंटेंट पर ही, तो डेली मेरी लाइफ में जो होता है मैं वही शेयर करती हूँ। एंड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए अब तो डेली ब्लॉग करते करते, अब मुझे 54 डेज़ हो चुके हैं, मैंने कंप्लीट कर लिए अपने 54 डेज़। तो इन 54 डेज़ में ना मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मेरा A1 डे भी स्किप ना हो, मैं फुल ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट देने का। देन आप लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे सजेशन देते हो मुझे बेटर करना चाहिए, बट डेली डेली ना एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ब्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से बेस्ट देने का, बट आप लोग भी जब मुझे सजेशन देते हो कि मुझे बेटर करना चाहिए, देन आप लोग भी उसके साथ मुझे एक अच्छा सा आइडिया भी दो कि मुझे क्या बेटर करना चाहिए, कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, देन उसके साथ ही फिर मैं कमेंट्स रीड करके उस ब्लॉग पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी जो आपने मुझे टॉपिक दिया होगा, एंड देन मैं उसको बना पाऊंगी अच्छे से। आई होप कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस के साथ साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दोगे, क्योंकि ना मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देते हो तो देन आप मुझे वो आइडिया भी दो, क्योंकि मेरा ना सेपरेट ब्लॉग पर शूट करना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोगों को पता ही आजकल मेरे कॉलेजेस भी चले हैं, देन घर में थोड़े बहुत काम होते हैं एंड कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, एंड उसके साथ साथ मुझे डेली व्लॉग्स भी शूट करने होते हैं, तो मेरा भी रूटीन होता है थोड़ा थोड़ा, तो मुझे भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, एंड शाम को मैं एडिटिंग कर देती हूँ एंड सुबह मैं अपलोड कर देती हूँ, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है अपना। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस तो देते ही हो, बट इसके साथ साथ आप मुझे आइडियाज़ भी दो कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि बोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है बट करना और भी मुश्किल, तो इसीलिए जब भी आप मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस देते हो तो देन आप उसके साथ मुझे एक स्पेसिफिक आइडिया भी दो कि मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट व्लॉग में, ताकि मैं उस पर फोकस कर पाऊँ एंड मैं भी ट्राई कर पाऊँ अपने व्लॉग में कुछ बेटर करने का, अच्छे करने का, एंड मेरे व्लॉग में चेंजेस भी हो जाएंगे। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना प्लीज़, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना और ऑल पर सेट करना, जिससे कि मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज के इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गाइज मैं जितने मैंने अपने ब्लॉग की एंडिंग करी थी तो दादी तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उतने में दादी ना घास काटने लग गए।